छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल के बेटी और पत्नी की हत्या की घटना को लेकर बवाल मच गया है। रिपोर्ट है कि भीड़ ने एसडीएम के साथ भी धक्का मुक्की की, जिसके बाद मौके से जान बचाकर एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मी भाग निकले। बता दें कि सूरजपुर जिले में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपी कुलदीप साहू ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद लाश को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया था। वीडियो में देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ ने मौके पर मौजूद एसडीएम से भी मारपीट की कोशिश की। भीड़ को उग्र होता देख एसडीएम भाग निकले। लोगों ने सूरजपुर थाने का घेराव किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना को लेकर शहर में बढ़ता तनाव देख भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पूरा सूरजपुर छावनी में तब्दील हो गया है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए कई दूसरे जिलों से पुलिस बल के जवानों को सूरजपुर बुलाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।